सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड करवाया आपने और उसमें आपको आरपीओसी देखने को मिला, तो उसका क्या मतलब है, उसको कैसे ठीक करें, और अगर आप ठीक नहीं करते हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो आपको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि RPOC होता क्या है। तो RPOC की फुल फॉर्म की बात करें तो रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि महिला के गर्भाशय में भ्रूण के कुछ पार्ट्स रह गए हैं, जिसे डॉक्टर आपको सोनोग्राफी में RPOC लिख कर देते हैं। अब ये कंडीशन क्यों होती है, तो इस कंडीशन के होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि आपने अबोशन पिल्ली गर्भपात की गोलियां ली प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए, और अगर आपने सही तरीके से सही वे से वो टैबलेट्स नहीं ली हैं तो आपका जो गर्भपात था वो सफलतापूर्वक नहीं होगा। कुछ ना कुछ भ्रूण के पार्ट्स, प्लेसेंटा या कुछ टिश्यूज़ अंदर रह जाते हैं, महिला के जो गर्भाशय उसकी वॉल के साथ चिपक जाते हैं और वो इजीली फिर निकलते नहीं हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, अगर महिला का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, मतलब महिला ने कोई पिल नहीं ली, कुछ भी नहीं किया और उसका नेचुरली प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कुछ दिन ब्लीडिंग रहती है। ये ब्लीडिंग 10 से 15 दिन तक हो सकती है, और जब आप सोनोग्राफी करवाते हो तो आपको उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की, तो गाइस देखिए, अगर आपने पिल ली है, ठीक है, गोलियां ली हैं, और अगर आप ये सोनोग्राफी अगर आप 14 दिन से पहले करवा रहे हो, तो फिर नेचुरली है कि आपने टाइम से जल्दी ये टेस्ट करवाया है, क्योंकि अबॉर्शन पिल लेने के 14 दिन के बाद सोनोग्राफी करवाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 14 दिन से पहले करवाया है तो फिर कुछ ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको RPOC लिख कर आए, क्योंकि 14 दिन का जो टाइम है वो कम से कम चाहिए होता है यूट्रस को खाली होने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर उससे उसके बाद अगर आपने ये टेस्ट करवाया है और अगर आपको उसमें RPOC आ रहा है, तो फिर ये विषय चिंताजनक है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर सोनोग्राफी करवाने पर आपको RPOC आया और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स सारे चले गए, गर्भपात की जो ब्लीडिंग थी वो भी अच्छी हुई थी, तो आपको कहीं और से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कई बारी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उससे भी जो अल्ट्रासाउंड करने वाले जो डॉक्टर हैं उनको ऐसा लगता है कि RPOC हो रहा है। होता क्या है कि जब डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करते हैं तो वो सोनोग्राफी करते रहते हैं और आपसे पूछते हैं, महिला से पूछती हैं, हाँ जी आपने क्या किया था, आपने गोलियाँ ली थी, गोलियाँ नहीं ली थी, कैसे ली थी, कैसे नहीं ली थी, ब्लीडिंग कैसी हुई थी, कैसी नहीं हुई थी, कितना टाइम हुआ है, तो महिला सारा कुछ बताती रहती है। उनको ये लगता है कि हाँ डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, ऐसी ऐसी बातें आपसे पूछेंगे कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ वो आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो अगर महिला बता देती हैं उनको सारा कुछ कि हाँ जी हमने तो गलत वे से, गलत तरीके से टैबलेट्स ली हैं, मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई है वगैरह वगैरह, तो फिर आपको RPOC लिख कर देंगे ही देंगे। कई बारी महिला ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती है या फिर भारी काम कर लेते हैं अबॉर्शन पिल लेने के बाद, उससे क्या होता है, यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे आपको RPOC लिख कर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया अच्छे से, डॉक्टर ने आपकी पूरी हिस्ट्री ली है, ब्लीडिंग आपको प्रॉपरली नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि हाँ डॉक्टर ने पूरा पूरी की पूरी जो आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ एक्सप्लेन आउट किया है कि हाँ आपको RPOC है, और आपने जिस डॉक्टर की सुपरविज़न में ये जो पिल्स थी वो ली हैं और उन्होंने भी आपको क्लियर कर दिया कि हाँ आपको RPOC है, तो अब क्या करें,
ठीक है, जहाँ पर कंफर्म है कि हाँ बच्चेदानी जो है वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुई है, जो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स थे वो बच्चेदानी के अंदर हैं। तो उस कंडीशन में आप दो चीज़ें कर सकते हो। पहला तो जिस डॉक्टर के सुपरविज़न में आपने पिल्स ली हैं उनसे आप दोबारा पूछिए कि क्या मैं दोबारा पिल्स ले सकती हूँ या मैं अपनी वाइफ को ये दोबारा पिल्स दे सकता हूँ। अगर डॉक्टर चाहें, अगर उनको लगता है कि हाँ सेफ रहेगा वो ये पिल्स को देना दोबारा, तो फिर आप पिल्स ले सकते हो, एक बार का चांस आप दोबारा ले सकते हो। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि पिल्स लेना सेफ नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको DNE करवाना सही रहता है। अब DNE क्या चीज़ है, उसे नॉर्मली सफाई बोला जाता है या फिर डायलिटेशन एंड इवैक्यूलेशन इसे कहा जाता है। इसमें क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और DNE का जो पूरा प्रोसेस है वैसे तो 2 घंटे का होता है, और DNE करने में विद इन 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको RPOC लिख कर आया है तो अल्ट्रासाउंड में आप चेक करना कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है अगर 15 mm से 18 mm तक है, तो फिर आपको DNC करवानी जरूरी रहती है, मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज आपको करवानी बेटर रहेगी। लेकिन अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, तो फिर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, उन्हें सोनोग्राफी दिखाएं या नियरेस्ट डॉक्टर से मिल लें, वो आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे कि आपको क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आपने मुझे इतना वक्त दिया आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।